भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर रानीडिया स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल के आदर्शों पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जानी जा रही है। वर्तमान समय में मोदी और योगी की नीतियों से लगातार देश का विकास किया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होंगे। इसको लेकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जी तोड़ मेहनत कर आमजन के बीच भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, पूर्व विधायक ललन तिवारी, प्रीति शुक्ला, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पहले स्वयं सेवक हूँ, फिर जनता पार्टी। उदय अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। आज पूरे देश में कमल खिल रहा है। आप लोग तालियों से स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, महानगर के पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश राष्ट्रीय के सदस्य, बहुत ही पुराने कमी पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे जी का भी अंगवस्त्र देकर के स्वागत करें। लेकिन सत्या जी लड़ाई हुए, जिनको आज सम्मान होगा हमसे श्री श्याम जी श्रीवास्तव, कृपया मंच पर आओ और हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आपको स्वागत। जोरदार तालियां। जब से गोरखपुर क्षेत्र बना, लगातार आग्रह कि हमें और मन को अपना स्थान है। रमेश भैया, इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने बताया, भारतीय जनता पार्टी आज का ये स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और आज भारतीय जनता पार्टी तब से समाज जीवन में काम करने वाली पार्टी बनी थी और आज पूरे भारतवर्ष के सभी कार्यकर्ताओं और पार्टीजनों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी केवल भारत में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित है और उसी का परिणाम है कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सपना देखा था कि समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता करने की बात कही थी। मुझे लगता है कि आज केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व, माननीय योगी जी के नेतृत्व में उस सपने को साकार हो रहा है और उसमें एक बहुत बड़े कार्यकर्ताओं का सब सहयोग समर्थन है, जिसके कारण आज पार्टी इस स्थान इस मुकाम पे खड़ी है। और आज का दिन हम सब के लिए बड़ा गौरव का दिन है कि जिस पार्टी जिस विचार के लिए हम लोग काम करते हैं आज उसका स्थापना है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, जो जनसंघ काल से पार्टी में लोग काम करते रहे, ऐसे श्रेष्ठ जनों का भी हम सबको आशीर्वाद है, यहाँ उपस्थित हैं। आज हम सब उनका अभिनंदन करेंगे, उनका सम्मान करेंगे और इसके बाद सब लोग अपने घर जा सकते। लोकसभा